देश में रबी फसलों की बुवाई अपने अंतिम चरण में है। ज्यादातर इलाकों में बुवाई का काम पूरा हो चुका है, वहीं कुछ हिस्सों में यह अभी भी जारी है। इसी बीच कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आंकड़ों से पता चलता है कि सबसे अधिक रकबे में बोई जाने वाली गेहूं की फसल के क्षेत्र में पिछले साल के मुकाबले गिरावट आई है। रबी सीजन की सबसे प्रमुख फसल गेहूं की बात करें तो इसका रकबा सबसे अधिक है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले 4.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की कमी दर्ज हुई है। 24 दिसंबर 2021 तक किसानों ने 305.47 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई की है। पिछले साल समान अवधि में यह आंकड़ा 309.68 लाख हेक्टेयर था। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम में अधिक क्षेत्र में बुवाई हुई है, जबकि राजस्थान, बिहार, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश बुवाई के मामले में पिछड़े हैं। गेहूं के रकबे में कमी के पीछे की वजह तिलहन के रकबे में भारी बढ़ोतरी को माना जा रहा है। बीते सीजन में किसानों को सरसों की काफी अच्छी कीमत मिली है। इसी को देखते हुए इस बार किसानों ने सरसों की जमकर खेती की है और गेहूं के रकबे को कम कर दिया है। इस बार कृषि मंत्रालय को भी सरसों के बंपर उत्पादन का अनुमान है और आगामी सत्र में यह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।